नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्पाइडर स्टिच बनाना बता रही हूँ। ये आप चाहें तो सिंगल कलर से बना सकते हैं और या डबल कलर से बना सकते हैं। इसके लिए हम क्रोशिए का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप एंकर धागा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 6 स्ट्रेंथ ही लेनी चाहिए हमें। और आइए मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है। ये हमें किसी भी एक लाइन के किनारे पे हमें ये सुई को निकालना है और ये हमारी पे डालें। अब उसके बगल वाले लाइन पे हमें उसको निकालना है। इस तरह से हमें एक व्हील की तरह उसको तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये एक व्हील तैयार हो गया है। अब हम सुई को बीच में से निकालेंगे। अब आप यहाँ पे चाहें तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, बीच में निकालने के बाद हम ये जितने भी हमारी ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, एक को पहले नीचे से धागा लेना है, एक को ऊपर, एक के नीचे, एक के ऊपर, ऐसे करके हमको करना है। तो ये देखिए, हम जैसे सुई को इस धागे के नीचे से निकाल रहे हैं, तो हम एक को छोड़ के, अब एक को छोड़ के फिर हम दूसरे के नीचे से निकालेंगे। ये देखिए, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक के नीचे से निकालेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक नीचे से। इस तरह से हमें पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे, तो इसको वापस हमें बैक करना है। ये देखिए, ये निकालने के बाद हमें इसे फिर से इसमें
एक बार रोटेट करना है, ये देखिए वापस बैक जा कर के हमको आगे बढ़ना है, ये देखिए। जैसे धागे में एक बार वो लपेटा जाता है इस तरह से, देखिए यहाँ है, फिर इसको वापस हम बैक करके फिर हम एक छोड़ के फिर नेक्स्ट में जाएंगे। अब हमें ये फिर से इसी तरह से हमें पूरा करना है, ये देखिए हम फिर इसमें वापस टर्न हो रहे हैं, ये देखिए ऐसे करके हम वापस आ करके फिर हम आगे बढ़ना है एक छोड़ के। जिस धागे के नीचे से हम निकाल रहे हैं उसको फिर वापस हमें एक लपेटना है एक बार और, ये देखिए ऐसे लपेटते हुए हमें फिर आगे बढ़ना है। इसी प्रोसेस को हमें पूरा रिपीट करना है। इस तरह से हमारी ये मकड़ी की जाल की तरह बन जाता है और हम इसे स्पाइडर स्टिच कहते हैं। और जिस धागे में हम दोबारा उसको रोटेट कर रहे हैं वो देखिए ये ऐसे ऊपर उठा हुआ इस तरह से बनता है। इस तरह से देखिए ये हमारी स्पाइडर स्टिच तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।